प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा योग ग्राम। पहाड़ियों की तलहटी स्थित ये संस्थान आज विश्व का सबसे विशाल एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में संचालित प्राकृतिक चिकित्सा के इस केंद्र में अब तक 250 रोगियों को एक साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही थी। योग ग्राम में उपचार केंद्र को विस्तार देकर 600 रोगियों की चिकित्सा की क्षमता बढ़ा दी गई है। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कुछ नए विभाग खोले गए। गत 9 दिसंबर को परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के कर कमलों से नए उपचार केंद्रों का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस कड़ी में सर्वप्रथम महिलाओं के उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। स्वामी जी के वहां पहुंचने पर ओम की ध्वनि से अभिनंदन किया गया। महिलाओं ने स्वामी जी महाराज को तिलक लगाया व आरती की। इसके पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय मुक्तानंद जी महाराज, आदरणीय यशदेव शास्त्री जी एवं नागेंद्र नीरज ने दीप प्रज्वलन किया। विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नन्दार्क्षो अविश्वनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नारियल तोड़ने के पश्चात स्वामी जी महाराज, मुक्तानंद जी महाराज, यशदेव शास्त्री जी, राम भरत जी एवं डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी ने नवनिर्मित भवन के उपचार कक्षों का अवलोकन किया। महिला विभाग के उद्घाटन के पश्चात स्वामी जी महाराज ने पुरुष विभाग का भी उद्घाटन किया। विस्तारीकरण के अंतर्गत योग ग्राम में प्राकृतिक चिकित्सा के नए विभागों को भी जोड़ा गया है, जिसका इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अवलोकन किया। आइए देखते हैं योग ग्राम में विस्तार किए गए प्रकल्पों के मुख्य मुख्य अंश। योगग्राम में पहले से करीब 250 रोगियों के लिए उपचार की व्यवस्था थी और रोगियों की संख्या इतनी बढ़ गई, अब करीब 500-600 रोगी आने लग गए, तो उपचार की व्यवस्था को बढ़ाया गया। इसलिए आज हमने अभी जिस उपचार की सुविधा का जो ट्रीटमेंट जो सेक्शन है, सेंटर है, उसका जो उद्घाटन किया, ये महिला विभाग है इसका, और इसमें जो हमारे चिकित्सक हैं वो महिलाएं हैं, और इसके साथ साथ जितने थेरापिस्ट हैं, उपचारक हैं, वो भी इसके अंदर महिलाएं हैं। और आदरणीय डॉक्टर नीरज जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ ये व्यवस्था को अभी बढ़ाया गया है। अब करीब इस समय 600 रोगियों को यहाँ पर उपचार मिल सकेगा, उनके आवास की व्यवस्था भी हो गई है। अभी दो तरह की उपचार की सुविधाओं के लिए जो फैसिलिटी क्रिएट की गई, आप ये सारी ये जो फैसिलिटी देखी है उसी के लिए पूरी फैसिलिटी है। महिला विभाग के बाद हम आपको पुरुष विभाग में ले चलेंगे।
ये योगग्राम का पुराना उपचार केंद्र है। ये दाहिनी तरफ पुरुषों के लिए, बाईं तरफ यहाँ ये महिलाओं के लिए, ये पुराना ट्रीटमेंट सेंटर था हमारा। और अभी नई फैसिलिटी, हमने कहा महिलाओं के लिए जो आपने अभी देखी, अभी हम पुरुषों के लिए आपको ले चलते हैं। दाहिनी तरफ जो बड़ी फैसिलिटी बनाई है वो पुरुषों के लिए है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर ओजोन सावन बात है, क्या क्या अलग अलग उपचार केंद्र है, जो डिफरेंट प्रकार के यहाँ पर उपचार पंचकर्मा है। पंचकर्मा में अलग अलग जो है हमारा थेरेपी है, जिसमें स्नेहन है, स्वेदन है, स्नेहन स्वेदन विरेचन वमन, तो पंचकर्मा की भी यहाँ पर व्यवस्था है। फिर ये फिजियोथेरेपी की भी यहाँ पर व्यवस्था है, ओजोन बाथ की व्यवस्था है, कोलन इरिगेशन कोलन इरिगेशन में क्या है, पूरी पेट की धुलाई हो जाती है, करीब 8-10 लाख रुपए की इंस्ट्रूमेंट है, 8-10 लाख रुपए की पूरी अलग मशीन रखी है। और इसमें उसमें क्या होता, पूरे आंतों की पूरी सफाई, नीचे की जैसे शंख प्रक्षारण करते हैं वो पूरा इंटायर होल इंटेस्टाइन हो जाता, तो ऊपर से नीचे तक होती है। लेकिन इसमें क्या है कि कोलन में फिर भी कुछ चीज़, इसमें कोलन के लिए खास करके उसकी सफाई के लिए व्यवस्था की है। तो ये एक्यूप्रेशर की भी यहाँ पर व्यवस्था है। फिजियोथेरेपी की महिला विभाग अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। पूरी इस तरह से ये जो है प्राचीन काल में जैसे हट सुहा करते थे, उसी तरह से, क्योंकि योगग्राम अपने आप में धरती का एक स्वर्ग जैसा स्थान है, और अरण्यवासी ऋषियों की तरह है, जैसे अरण्यवासी ऋषि रहा करते थे। हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने इसको इतनी खूबसूरती दी है। ये सामने कितने गुलाब के सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, अलग अलग तरह के फूल, डेलिया भी इसमें बहुत जबरदस्त अभी आ रहा है। और यहाँ ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा जंगल में है। यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, इधर झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, नदी है, और इसमें सैकड़ों प्रकार के पुष्प पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने लगा रखे हैं। लाखों प्रकार के स्वामी जी, लाखों नहीं, मैंने सैकड़ों बोला तो कहा है कि लाखों प्रकार के पुष्पादि की व्यवस्था की है। और आज हम एक खास बात ये भी बताना चाहते हैं कि योगग्राम के उपचार की प्रक्रिया में हम आपको जो नेचुरोपैथ की जो हमारी परंपरागत उपचार पद्धतियां हैं, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश जो पंच तत्व हैं, उसमें किस तरह से इनका भीतर हमारे फाइव एलिमेंट्स का पंच तत्वों का इम्बैलेंस होने से रोग पैदा होते हैं और उसको कैसे हम बैलेंस करते हैं, उसके लिए तो अलग अलग प्रकार की उपचार व्यवस्थाएं हैं ही। फिजियोथेरापी है, एक्यूप्रेशर है, जो भी माने जिसमें बाह्य औषधि विशेष की आवश्यकता नहीं होती, प्रकृति से ही जो हमें सहज रूप से साग सब्जियां आदि प्राप्त हैं, तो आहार व्यवहार और हमारे संस्कार आचार विचार, इन सब के संयोग से हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए प्राचीन और आधुनिक का दोनों का समन्वय किया, प्राचीन और आधुनिक दोनों का समन्वय किया है, ऐसा डॉक्टर नीरज जी कह रहे हैं। और महिला जो उपचार व्यवस्था थी उसके बाद में पुरुषों के लिए उपचार की व्यवस्था है, उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की है। और हमारे इस सबके जो प्राण है पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, हम उनका अभिनंदन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्ध स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नर्षने स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। आइए जागने शास्त्री जी। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् अग्निराजपूज्य। पंचकर्म के हमारे डॉक्टर अनुराग जी, आई आई आदरणीय भरत जी, आदरणीय शास्त्री जी, सब आदरणीयों का ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति न सार्चोरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरह से सिंबाद सोनाबाद से लेकर के माने बाष्प स्नान और ताप स्नान सूर्य स्नान तो करवाते हैं आप, और ये सारे अलग अलग प्रकार की जैसी फैसिलिटी महिला विभाग में थी ऐसे ही पुरुष विभाग में है, वो एज इट इज सारी की सारी फैसिलिटी उसी तरह से पूरी की पूरी सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है मसाज का, और इसमें भी मसाज की एक विशेष प्रक्रिया और जो है साइंटिफिक मसाज, साइंटिफिक मसाज हमारे डॉक्टर नीरज जी कह रहे हैं। योगा ग्राम जिसको जो भी यहाँ पर आता है वो अनुभव करता है हेवन ऑन द अर्थ, धरती का स्वर्ग। और आप ये चारों तरफ जो उपचार केंद्र देख रहे हैं ये सब भी हमने जो है ऊपर से झोपड़ी रखी है, नीचे इनके उपचार केंद्र हैं। अभी आप जो दो बड़े बड़े उपचार केंद्र देख रहे हैं इनमें क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी रखनी पड़ती है तो उधर सामने महिला सेक्शन है, इसके नीचे पुरुष सेक्शन है, और आप मॉडर्न जो है पूरा व्यवस्था है। तो डॉक्टर नीरज जी कह रहे हैं कि अल्ट्रा मॉडर्न व्यवस्था है, माने आधुनिकता और प्राचीनता, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का ये एक दिव्य संगम है, और इसमें सारी उपचार की व्यवस्थाएं, और ये पंचकर्म का नया सेंटर बना रहे हैं, वो छोटा पड़ गया था, पीछे सारे रहने के लिए भी हट्स हैं, अभी योग करने के लिए एक का और उसके बराबर में हॉल बनाना पड़ रहा है, कैपेसिटी थोड़ी कम पड़ गई, जो बड़ा हॉल आप देख रहे हैं। तो सारी फैसिलिटी यहाँ पर करीब 150 एकड़ जमीन के अंदर, यहाँ साग सब्जियां भी अपने उगाते हैं, यहाँ फल भी अपने उगाते हैं, पपीता से लेकर के गाजर मूली टमाटर मटर से लेकर के, और जो भी यहाँ पर प्रयोग में आते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और कुछ कुछ अन्न भी, अन्न वैसे बहुत कम खिलाते हैं डॉक्टर नीरज जी क्योंकि ऐसे इन लोगों का अन्नमय कोष ज्यादा पुष्ट हो रखा है, और इसमें अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां भी लगाई गई हैं, अभी कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे ये और पीछे आपको हम दिखाएंगे जहाँ पर चारों रास्तों के, और मैंने सैकड़ों बोला था तो डॉक्टर नीरज जी बोला नहीं हजारों नहीं लाखों तरह के फूल। मैंने एक दिन बोला था एक कार्यक्रम में कि हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब हमारे पास में ऐसे 250-500 रुपए हो जाते थे तो हम घी लाया करते थे, फल लाया करते थे, और स्वामी मुक्तानंद जी के पास में जब 250-500 रुपए हो जाएं, उस समय 250-500 रुपए बहुत होते थे, तो स्वामी मुक्तानंद जी फूलों के बीज लाया करते थे। तो जो है हम ऐसा सोचते थे कि ये फूलों में क्या है, घी खाओ दूध पियो फल खाओ तो ताकत आएगी। तो अब पता लगा कि ये फूल जो है ये इस धरती पर भगवान की बहुत बड़ी शोभा है, उनकी खूबसूरती है, उनका सौंदर्य है, उनका ऐश्वर्य है, उनका वैभव है। तो पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने इतना सुंदर बनाया है इस पूरे योगक ग्राम को, बहुत तरह के पुष्प यहाँ पर खिले हुए हैं, और इन पुष्पों के साथ साथ लोगों के जीवन पुष्प खिला रहे हैं हमारे डॉक्टर नीरज जी, हमारे डॉक्टर राठौर जी, डॉक्टर हमारे अनुराग जी, डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा जी, केवल कृष्ण शर्मा जी, माने सारे पूज्य स्वामी महाराज मुक्तानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में ये सब नेतृत्व में सब यहाँ सेवा दे रहे हैं। हमारे आदरणीय राजपूत जी भी यहाँ पर अपनी सेवा के लिए आ गए। अब बहुत सुंदर व्यवस्था उपचार की भी और सारी सुविधाओं की, कि यहाँ हम अनावश्यक सुविधा तो कोई देते नहीं, हमारा सिद्धांत है कम से कम में गुजारा करो, माने वैयक्तिक जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में वैभव समृद्धि ऐश्वर्य। माने वैयक्तिक जीवन तो हमें तप पूर्ण जीना चाहिए, उससे हमारा जीवन भी सुखी रहता है और उससे सार्वजनिक जीवन में वैभव ऐश्वर्य बढ़ता है। खैर ये तो एक बड़ा सिद्धांत था हमारा, उपचार की सारी प्राकृतिक व्यवस्था यहाँ पर की गई है,
एक अब नई व्यवस्था इसमें जोड़ रहे हैं, और उस नई व्यवस्था में जो व्यवस्था है वो है यहाँ पर अब नेचुरोपैथ के बहुत से आयाम आपने देखे। यहाँ डॉक्टर नीरज जी ने अभी आपको बताया कि यहाँ हमने पंचकर्मा की सब व्यवस्था की है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, उसमें आयुर्वेद का जितना आवश्यक हिस्सा जो हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, क्योंकि विविधा रोगा जायंते प्रायशः मल संचय, शरीर में विविध प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी जब इकट्ठी हो जाती है तो उससे कई प्रकार के रोग होते हैं, कई प्रकार के असंतुलन होते हैं। तो उसमें योग है, आयुर्वेद है, पंचकर्म का जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, फिजियोथेरापी है, एक्यूप्रेशर है, कई तरह से मिट्टी से, हवा से, पानी से उपचार आदि की सारी व्यवस्था है। तो उसमें एक एक्यूप्रेशर भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो वैकल्पिक चिकित्सा ऐसा बोला जाता था, लेकिन अभी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये होलिस्टिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा कहने पर बहुत से लोगों को कई प्रकार की आपत्ति होती है, भ्रांति होती है कि ये विकल्प है, कोई जो है कोई पूर्ण चिकित्सा पद्धति कोई और है। तो ये होलिस्टिक जो है ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ। तो उसमें बॉडी बैलेंसिंग के लिए अब ये नया डिपार्टमेंट अभी हमने खोला है, इसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारे शरीर में किसी भी तरह का असंतुलन हो, चाहे वो हमारे ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, खास करके स्पाइनल कोड का इम्बैलेंस, और स्पाइनल कोड के इम्बैलेंस से सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन, फिर बैक एक, स्लिप डिस्क, शैटिका, लोमोस्पोनाइटिस, और वो बैलेंस बिगड़ने से फिर पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ होता है, इससे फिर ओबेसिटी भी बढ़ती है। तो हम यदि इस आज जिस डिपार्टमेंट का हम उद्घाटन कर रहे हैं इसको बोला जाए तो बेसिकली ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे मसल्स के लिए, स्केलेटन सिस्टम के लिए, बोन्स के लिए, और उस जो है मसल्स और बोन्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि बॉडी में कई प्रकार का इम्बैलेंस आता है, और मैंने कहा सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन से लेकर के माने मेरुदंड के मुख्य रूप से जो रोग हैं उनके लिए, फिर उससे रिलेटेड जैसे घुटनों का दर्द है, एनर्जी का कहीं पर फ्लो रुक रहा है। अभी हमारे डॉक्टर नीरज जी बोल रहे थे जहां फ्लो है वहां ग्लो है, और जहां फ्लो नहीं है वहां ग्लो नहीं है, वो उसके लिए कई प्रकार के हम यहां पर उपचार देते हैं। यहां पर ये जो उपचार की व्यवस्था पहली बार हम शुरू कर रहे हैं किसी भी नेचुरोपैथ के सेंटर में, ये एक अपने ढंग का एक और नया प्रयास शुरू किया है, इसके बारे में हम पूरा अंदर चल करके बताते हैं, और अब इसका विधिवत उद्घाटन करते हैं। इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः सार्क्ष्वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। इसमें आपके टेस्ट होंगे, इसमें अभी जो है 600 एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, 600 जो आपकी कार्डियो की और 39 अंगूठा, ये जो अंगूठा है आपका, ये अभी इस ब्लड स्लाइड बन गया। जैसे हम लैब में ब्लड स्लाइड बनाते हैं तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम से आपका सारा डाटा लेगा, ये कंप्यूटर से एक 2 मिनट के अंदर करीब 600 प्रकार के आपके शरीर के परीक्षण हो जाते हैं। अंगूठे से एक बायोमेट्रिक सिस्टम से एक इमेज तैयार हो जाती है पूरी, और इसमें अब आप ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर के सारे टेस्ट इसमें हो जाते हैं, माने आप कोई ईसीजी नहीं करवा रहे, कोई एंजियोग्राफी नहीं करवा रहे, कोई सीटी स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं, कोई ब्लड टेस्ट, ब्लड से कोई टेस्ट नहीं, माने खाली एक थंब इम्प्रेशन से करीब करीब 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी बॉडी के करीब 600 प्रकार के इसमें टेस्ट हो जाते हैं, और इसकी एक्यूरेसी करीब करीब 80-90%, कुछ में तो आपको 100% एक्यूरेसी आएगी, कुछ में 90, कुछ में 80%। तो माने एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फिर जो है एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी,
फिर कई प्रकार के ब्लड टेस्ट, कई प्रकार के हार्मोन्स टेस्ट, कई प्रकार के मेटल टेस्ट, वो सब करके जितना आप पता लगाते हो उसमें भी, यद्यपि उसमें भी एक्यूरेसी काफी होती है, इसका दिखाओ कि इसमें क्या क्या आया है। ये इसमें 39 सिस्टम की रिपोर्ट आ गई है समझे। अब ये सिस्टम है या साइड में, जैसे कार्डियो की रिपोर्ट आई है, अब ये कार्डियो सिस्टम की सारी के सारे, अब इसमें कार्डियो से लेकर के आगे क्या क्या है, कार्डियो, फिर उसके बाद गैस्ट्रिक सिस्टम, लीवर फंक्शन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, किडनी, लंग्स, ब्रेन, बोन मिनरल डेंसिटी, रूमेटॉइड बोन, शुगर, ब्लड शुगर, फिजिकल क्वालिटी, ह्यूमन टॉक्सिन, ट्रेस एलिमेंट, हैवी मेटल्स, एमिनो एसिड, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, प्रोस्टेट, हाँ रख दीजिए सर, प्रोस्टेट, उसके बाद मेल सेक्सुअल, स्किन, आईज, एलर्जन, विटामिन, ओबेसिटी, बोन ग्रोथ इंडेक्स, को इंजाइम्स, मैंने ऊपर से लेकर के रक्त से लेकर के स्पर्म तक जो है पूरा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रजोज, पूरा का पूरा 600 प्रकार के। अब देखो ये कार्डिक का था ना, कार्डिक में 16 टेस्ट आ गए, कार्डिक में 16 आ गए। अभी शास्त्री जी का हालत है, ये शास्त्री जी का हार्ट में ब्लड फैट थोड़ा बड़ा दिखा रहा है, ब्लड फैट, घी ज्यादा खाते हैं इसका मतलब, घी ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, वास्कुलर इलास्टिसिटी, जैसे जो खून आता है हार्ट से बाहर तो उसमें एक इलास्टिसिटी पैदा होती है जिससे आगे फिर वो हार्ट का काम करती है। तो अभी ये तो हार्ट का था, और दूसरा दिखाओ, इससे अगला है गैस सिस्टम, गैस का दिखाओ, गैस सिस्टम में इनका ये नॉर्मल जैसे है ना स्वामी जी, हाँ जो मतलब मेडिकल साइंस में जहाँ बीमारी दिखाता है ये जीरो लेवल से लेता है, ठीक बात, पर मेडिकल साइंस में जहाँ बीमारी के लेवल्स होते हैं उनके पैरा स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये गैस का हो गया। फिर लीवर का देखो, लीवर में स्वामी जी इनका आ रहा है कि ये प्रोटीन जो इनका लीवर है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है ना वो नहीं कर, थोड़ा वीक है प्रोटीन्स बनाने में थोड़ा, और इसमें रेंज दिखाई है स्वामी जी कि 116 इनको नॉर्मल चाहिए, और इसकी रेंज जो है ना इसको ग्राम बोलते हैं, ये जो वैल्यू है स्वामी जी मैक्रो में करीब आधी रह गई है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना पड़ेगा शास्त्री जी को, बाकी सब ठीक है, बाकी सब नॉर्मल। इसका इम्पैक्ट ये है प्रोटीन के कारण लीवर फैट कंटेंट बढ़ जाता है, ये तो इसका हो गया। अभी इनका दिमाग का और देखो, इसमें जो ब्रेन नर्व जो एक्टिवल ब्रेन चीज, इसका मेन रीजन है कि आपके जो हार्ट से जो सप्लाई माइंड को जाती है सेरिब्रल आर्टरी। इसके बाद बोन डिसीज है स्वामी जी, अब देखिए बोन डिसीज में इनका 38% आ रहा है, नॉर्मली जो रेंज है 10-40 होती है, तो कहीं ना कहीं हड्डियों में नहीं स्वामी जी, बिल्कुल रेंज बॉर्डर पे पहुंचे हुए। अच्छा, तो इसमें हम नॉर्मली तो यही लगा सकते हैं कि स्पाइनल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लंबर में गड़बड़ है। ये जो पूरी उपचार की व्यवस्था रखी आपको हम पूरी उपचार की व्यवस्था बताएंगे। 500 रुपए में आपके करीब 600 प्रकार के बॉडी के इम्प्रेशन, और उसमें उसमें 4-5 पेज की एक रिपोर्ट भी देंगे, और इन जो है 600 प्रकार के आपके बॉडी के डिफरेंट इम्प्रेशंस हैं, जो उसके साथ साथ में आपको उपचार दिया जाएगा। उपचार के बाद के जो चेंज, माने 3 दिन उपचार करने के पहले और 3 ही दिन में उपचार करने के बाद आपको सारे इम्प्रेशंस भी यहां से पता लगेगा कि, और आप खुद उसको एक्सपीरियंस तो करेंगे ही करेंगे, तो उसकी पूरी व्यवस्था रखी है इसमें। और हमारे डॉक्टर श्रीकृष्ण शर्मा जी इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, इनके देखरेख में पूरे उपचारकों की एक टीम इसमें काम कर रही है। जैसे नेचुरोपैथ के दूसरे डिपार्टमेंट है, ऐसे ये भी एक डिपार्टमेंट है, इसमें सोनाबाद की व्यवस्था रखी है, शॉवर कक्ष भी रखे हैं, सारे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन चैम्बर भी एक रखा है इसके अंदर। इस ऑक्सीजन चैम्बर में जिनको ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड खास करके प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, जिनको स्ट्रेस रहता है, उसके लिए खास व्यवस्था यहाँ पर ऑक्सीजन चैम्बर की भी रखी है। यद्यपि प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, और वाइब्रेशन थेरेपी है, इसमें वाइब्रेशन थेरेपी रखी गई है, माता जी उपचार ले ही रही है अभी। और इसमें ये पूरे जैसे पूरे उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी कितने 30 डिपार्टमेंट, करीब 30 प्रकार के उपचार की व्यवस्था इस पूरे विभाग में की जाएगी।